हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सी एस बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं तो चलिए आज करते हैं हम हाउ डू रिप्रोड्यूस इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है दैट आपको मैथड का नाम बताना है जिससे स्पायर वगैरह जो है वो रिप्रोड्यूस करता है अंडर द फेवरेबल कंडीशन क्या वो मेथड सेक्सुअल है या ए सेक्शुअल रिपोर्डक्शन का है सो इट्स आंसर इज अर रिपोर्ड्यूस फ्रेगमेंटेशन इट इज एन ए सेक्शुअल मैथ स्पायर वेरा जो है वो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है ठीक है ना यानी कि जैसे ये फ्रेगमेंट बन गए हो सकता है इसमें तीन फ्रेगमेंट्स बन रहे हो ठीक है ना इनमें भी ऐसे फ्रेगमेंट्स बन रहे हो अगर ये फ्रेगमेंट बने तो ये दो और बन जाएंगे इसमें तो स्पायर वगेरा जो है वो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है ए सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो होता है इसी के साथ आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन हाउ डज प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस इज दिस मेथड सेक्सुअल और ए सेक्शुअल जो प्लाज्मोडियम है वो किससे रिप्रोड्यूस करता है सो इट्स आंसर इज प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फिजन शन प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीपल फिजन के द्वारा रिपोर्डक्शन करता है ठीक है ना और ये मैथड ए सेक्शुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर आता है इसके अंदर क्या है कि एक जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिया के अंदर जो डॉटर न्यूक्लिया है उनके अंदर स्प्रेट होता है और ये सब जो है जब इसकी वॉल रा तो अलग अलग ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो क्रिएट करता है और इसके थ्रू जो है वो प्लाज्मोडियम जो है वो रिपोर्डक्शन थर्ड क्वेश्चन नेम द पार्ट ऑफ अ फ्लावर दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन अब आपको इसके अंदर उस पार्ट का नाम बताना है जो जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर अंदर इन्वॉल्व नहीं होते इसके आप अगर इस डायग्राम है इसको देखो यहाँ पे ये जो सेपल्स हैं ये सेपल ये सेपल हो गया ये आपका जो है वो रिप्रोडक्शन के अंदर यूज नहीं होता है इन्वॉल्व नहीं होता है दूसरा है आपके पेटल्स यानी कि ये जो पौधे की जो फ्लावर की पेटल्स हैं ठीक है ना पंखुड़ियां जो हैं वो भी इसके अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है इसको बोलते हैं हम थैलेमस तो दिस थैलेमस ऑल्सो इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन आप इसको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कई बार तो उसके अकॉर्डिंगली आप याद रखना कि कौन कौन सा ऐसा है जो रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता फ्लावर के अंदर भी सेपल्स पेटल्स थैलेमस फोर्थ क्वेश्चन व्हाट आर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड व्हिच बेयर बोथ सेक्स ऑर्गन्स इन द सेम इंडिविजुअल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनिज्म को ऐसे ऑर्गेनिज्म का बताना है जिसके अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं और उसका एग्जाम्पल भी देना है ऑर्गेनिज्म पेयरिंग बोथ सेक्स ऑर्गन इन सेम इंडिविजुअल आर कॉल्ड बायसेक् और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा और मस्टर्ड इनको क्या बोलते हैं बायसेक्सुअल क्योंकि एक के अंदर ही मेल और फीमेल दोनों है और इसके एग्जाम्पल में आते हैं आपके हाइड्रा और मस्टर्ड फिफ्थ क्वेश्चन है लिस्ट टू बैक्टीरियल डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड सेक्शुअली अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बारी एग्जाम्स में पूछा गया है कि दो बैक्टीरियल डिजीजेस का नाम बताना है जिसमें एक है है साइफिल्स और दूसरा है तो इनको इमेजेस के थ्रू याद रखो दिमाग में इमेजेस इसीलिए अटैच की गई हैं ताकि दिमाग में इनके आंसर जो है वो छप जाए आपके पेपर में कुछ भी ऐसा ना हो जो आपको आता नहीं है सिक्स क्वेश्चन आपको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर बताना है कि थ्रेड लाइक नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो कि राइजोपस पे प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं हाइफा या फिर माइसीलियम और दूसरे पार्ट के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लॉब्स जो इस पे डेवलप होते हैं इसके टिप्स पे नॉन रिप्रोडक्टिव थ्रेड के तौर पे उनको क्या बोलते हैं सो इट्स आंसर इज स्परजिया इनको हम इन ब्लॉब्स को ब्लॉबिया बोलते हैं जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं ना उनको सो so इसी का ही पार्ट है इसके अंदर आपको बोला गया कि एक्सप्लेन करना है आपको हाउ दी स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्ट एंड वट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स रिलीज फ्रॉम द ब्लॉब इन राइजोपस इनका क्या फंक्शन रहता है सो इट्स आंसर इज दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रोटेक्टेड बाय थिक वॉल इसके आसपास आप ये देख पा रहे हो ये एक थिक सी वॉल है ठीक है ना इसके अंदर स्पोरेंजिया जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखा है ये पार्ट जो है इसको हम हाइफा बोलते हैं जिसको माइसीलियम भी कहा जाता है एंड दीज स्ट्रक्चर्स जोिनेट इंटू न्यू इंडिविजुअल्स अंडर फेवरेबल कंडीशन और ये जो जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये जर्मिनेट करते हैं नए इंडिविजुअल्स के अंदर ये जब स्पोर्स जो ऊपर से ये वॉल हटेगी तो ये स्पोर्स जो है वो दूर जाके फैलेंगे जहां जाके ये स्पोर्स जाएंगे वहां पे ये न्यू ऑस्प्रिंग्स जो है न्यू इंडिविजुअल्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे सेवेंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है नेम द पार्ट ऑफ द वेयर द बर्ड्स आर प्रोड्यूस फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको ब्रायोफिल्म का वो पार्ट बताना है जहां पे बर्ड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ब्रायोफिल्म के अंदर लीव्स के जो नॉचेस हैं लीव ब्लेड बोलते हैं लीव के जो साइड्स हैं यहां पर ये जो बर्ड्स हैं वो क्रिएट होते हैं तो यहां पे आप लीव नॉच लिख कर आओगे इसका आंसर कि बर्ड्स जो है वो कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है लीव नॉचेस पे जो लीव्स के बिल्कुल किनारा है ना यहाँ पे ये बर्ड्स जो है वो नीचे गिरते हैं और यहीं से नए जो हैं वो ब्रायोफिल्म के प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है दैट विच पार्ट ऑफ प्लांट कैन ग्रो वेजिटेटिवली कौन सा पार्ट ग्रो कर सकता है सो इट्स आंसर इज मॉडिफाइड स्टेम्स लाइक अनियन बर्ल्स रनर्स ऑफ द्रू ग्रास जिंजर राइजोम ट्यूबर पोटैटो ट्यूबर्स रूट ट्यूबर्स ऑफ स्वीट प्लांट डेलिया सेम कटिंग ऑफ प्लांट लाइक रोज एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम कैन बी ग्रोन वेजिटेटिवली अब यहाँ पे क्या बोला गया कि जो मॉडिफाइड स्टेम्स हैं जैसे कि अनियन बल्ब के अंदर होती हैं या फिर जो रनर्स हैं ध्रुप ग्रास के ठीक है ना इनके अंदर जो रूट ट्यूबर्स हैं पोटेटो के स्टेम कटिंग है कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे कि रोज में लीव्स होते हैं कुछ प्लांट्स के जैसे कि ब्रायोफेलम है ये सब के सब जो है वो वेजिटेटिवली इनके ये पार्ट्स जो है इन प्लांट्स के वो ग्रो कर सकते हैं एट क्वेश्चन रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींगस गिव थ्री रीजन इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर है लिविंग बीग के अंदर क्यों इसके तीन रीजन बताने आपको सो इट्स आंसर इज इज रिप्रोडक्शन एन इंपॉर्टेंट ऑफ ऑफ लिविंग बिकॉज इट लाइफ क्योंकि इसी से जीवन चलता रहेगा अगर कोई ऑफस्प्रिंग नया नहीं आएगा तो एक बारी के बाद में लाइफ जो है उस चीज की वो चीज खत्म हो जाएगी सपोज एक कोई आपके पास प्लांट है वो प्लांट फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता तो वो प्लांट की कोई ना कोई तो लाइफ टाइम होगा कोई ना कोई टाइम पीरियड होगा उसके बाद तो वो प्लांट खत्म हो जाएगा तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए कि आपको वैसे पौधे और मिले या वैसे ही ऑर्गेनिजम्स और मिले उनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड है इट प्रमोट स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज का मतलब ये है कि जो भी कोई वो प्रजाति है वो बनी रहती है ये नहीं कि वो लुप्त हो गई प्रजाति वो खत्म हो गई थर्ड है इट इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ वेरिएशन दैट आर द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन अब यहां पे क्या है कि क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन पॉइंट्स को ध्यान रखना कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ स्टेबिलिटी ऑफ स्पीश क्रिएशन ऑफ वेरिएशन ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन अब इन सबसे क्या है कि आपका जो ये क्रिएशन ऑफ वेरिएशन का मतलब है कि जो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं ठीक है ना वो चेंजेस भी तो रिप्रोडक्शन होगा तभी तो वो चेंजेस कंटिन्यू रहेंगे तभी तो वो थोड़ी थोड़ी वेरिएशन क्रिएट होती रहेंगी तो रिप्रोडक्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है लिविंग बींग्स के अंदर फोर्थ है इट रेगुलेट्स पॉपुलेशन इससे पॉपुलेशन भी जो है वो बनी रहती है ये नहीं कि किसी जगह की पॉपुलेशन कम हो गई थ क्वेश्चन है वट आर क्रोमोजोम्स एक्सप्लेन हाउ इन सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द प्रोजीन इज में ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आपका हेरिडिटी वाले चैप्टर के अंदर भी आता है कई बार और इसके अंदर भी और ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया सो इट्स आंसर इज क्रोमोजोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस कंटेनिंग जेनेटिक मटीरियल डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये और इसके अंदर क्या ये कैरी करते हैं जेनेटिक मटीरियल जिसको हम क्या बोलते हैं डीएनए ठीक है DNA. और ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो है वो कहां पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर और इसके अंदर क्या है नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रिड्यूस टू हाफ ड्यूरिंग गैमेट और सेल फॉर्मेशन जब गैमेट फॉर्म हो रहे हैं या जर्म सेल फॉर्म हो रहे हैं तो इनके अंदर जो है वो इनका नंबर ऑफ जो है वो हाफ हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ जर्म सेल्स द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज में जब फर्टिलाइज हो गया वो एग तो उसके बाद में क्योंकि मेल और फीमेल दोनों से लिए जा रहे हैं

प्लासेंटा क्या है एक स्पेशल टिश्यू है जो कि एक डिस्क लाइक टिश्यू है जो डिवेलप होता है आपका बिटवीन वॉल ऑफ यूट्रीन एंड एम्ब्रियो जो भी वो एम्ब्रियो है उसके और यूट्रीन के साथ ये अटैच रहता है तो जो भी मदर खाना खाती है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से वो फूड जो है वो पास होता है ब्लड के थ्रू ठीक है ना और वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मदर के ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है वो एक्सचेंज होते हैं और फिर वो फ्यूटिस जो फीटिस है उसके पास में जाते हैं प्लासेंटा के थ्रू मैं

अब बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डीएनए कॉपिंग है वो क्यों एक असेंशियल पार्ट है डीएनए जो है वो हमारा हमारे पेरेंट्स के साथ में मैच करता है ये नहीं है कि एग्जैक्टली exactly सेम है आपका हर हर एक इंसान का डीएनए डिफरेंट है बट उसका जो डीएनए है वो फैमिली के साथ में मैच करेंगे कुछ पार्ट ठीक है ना तो डीएनए कॉपिंग के द्वारा क्या है इट गिवस टू टू सेल्स ठीक है जो कि एग्जैक्ट ब्लू होता है जो कि वो उसको इनहेरिट हो रहा है अपने पेरेंट सेल से तो डीएनए रेप्लीकेट किससे कर रहा है अपने पेरेंट सेल से तो इसीलिए वो जो ब्लू प्रिंट है उसको अपने पेरेंट्स से जो भी चीजें इनहेरिट हो रही है इनहेरिटेंस को कंटिन्यू रखने के लिए जो डीएनए कॉपिंग हैज अकर्ड जब इम्प्लांट किया जा रहा है एम्ब्रियो को तो फिर यूट्रिस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं सो इट्स आंसर इज वेन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो द यूट्रीन वॉल थकनेस एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो जब एम्ब्रियो उसमें इम्प्लांट किया जाता है या एम्ब्रिय उसमें ग्रो करना स्टार्ट करता है जो यूट्रीन की वॉल है क्योंकि उसने बेबी के वेट को मैनेज करना है तो इसीलिए वो वॉल ग्रेजुअली थिक होना स्टार्ट होती है और फिर एम्ब्रियो को ग्रो करते हुए एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए उसके अंदर अच्छी ब्लड सप्लाई रहे उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे वहां पर जो है आपका प्लासेंटा वो रहता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए सेकेंड है

जो मंथली साइकिल रहती है ना मेंस्ट्रुएशन की उस प्रोसेस के अंदर यही सेम चीज होती है थर्टीन क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है नेम द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेड मोल्ड अब ये जो राइजोपस है जो ब्रेड मोल्ड है इसका अपने रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम देना है सो इट्स आंसर इज हाइफा इज द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेड मोल्ड वेयर इज प्रॉन्जिया प्रेजेंट ऑन द हाइफा इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट इसके अंदर हाइफा के लिए आपको बताया गया हाइफा जो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है हाइफा क्या है दिस इज योर हाइफा ये जो मतलब जो एक उसके साथ में जिसके ऊपर वो ग्रो कर रहा है स्प्रोरजिया उसको हम स्प्रोइिया जिसपे ग्रो कर रहे हैं उसको हम हाइफा है बोलते हैं और हाइफा है जो एक नॉन रिपोर्डक्टिव पार्ट है बट उसके ऊपर प्रेजेंट जो स्प्रोरजिया है दिस इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ये है आपका रिपोडक्टिव पार्ट ठीक है ना स्प्रोरजियम जिसको बोला गया नेक्स्ट पार्ट इज लिस्ट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिकेशन आपको दो एडवांटेजेस बताने हैं इसके जिसमें सबसे पहला है कि वेजिटेटिव प्रोपिकेशन हेल्प इन ग्रोइंग सीडलेस प्लांट्स

इसके अंदर आपको एक ड्रॉबैक बताना है जो नीचे पार्ट दिए हैं इसका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इसका क्या ड्रॉबैक है ये डिसेजेस आप कह सकते हो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मे डिस्टर्ब द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो जब ओरल पिल्स ली जाती है तो उसकी वजह से बॉडी का हार्मोनल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है दूसरे में आपसे पूछा जा रहा है कॉपर्टी कॉपर्टी के अंदर क्या है कॉपर्टी कैन नॉट प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस तो इसकी वजह से एसटीडी होने का खतरा बढ़ जाता है तो ये उसका एक ड्रॉबैक का पार्ट है बी पार्ट के अंदर आपसे पूछा जा रहा है अंडर विच कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड इज यूज ऑफ कॉन्डम केप्ड इन व्हाट वे इट्स यूज इज बेटर टू द अदर मैथड्रासेप्शन आंसर इज यूज ऑफ कॉन्डम केप्ट अंडर द बैरियर मैथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिज द कॉन्डम आर बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड एज कंपेयर टू द अदर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन जिसमें सबसे पहला है दट इट हेल्प टू प्रिवेंट फ्रॉम द एस जो एस टी ट्रांसमिटेड डिजीजेस उससे बचाने में हेल्पफुल रहता है एंड सेकेंड इट कैन नॉट डिस्टर्ब द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड नॉर्मल साइकिल्स ऑफ द फीमेल और दूसरा क्या है क्योंकि ये ओरल कोई भी इंटेक नहीं है तो इसी की वजह से ये जो है बॉडी का हार्मोनल बैलेंस उसको भी डिस्टर्ब नहीं करता है और इसको रखा जाता है बैरियर मेथड के अंदर फिफ्टींथ क्वेश्चन व्हाट इज प्लासेंटा रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लासेंटा क्या होता है और इसका क्या रोल रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे सो इट आंसर इज प्लासेंटा इज ए स्पेशल टिश्यू कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो एंड दूट्रीन वॉल इट एज एन एंड ग्लैंड जो ये स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू रहता है जो की एम्ब्रियो और यूट्रीन वॉल पर प्रेजेंट रहता है एम्ब्रियो को कनेक्ट करता है प्रेजेंट होता है और ये एक्ट करता है एज एन एंडोक्रीन ग्लैंड इसका रोल क्या रहता है इट्स रोल इट पोजेस बिली दट इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ एब्जॉर्न ऑफ न्यूट्रीन इसके ऊपर बिलीज रहते हैं क्योंकि बॉडी से जो भी न्यूट्रिशन मिला वो ब्लड की फॉर्म के अंदर उस एम्ब्रियो के पास में जाएगा तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का एम्ब्रियो फ्रॉम मदर थ्रू ब्लड और इसी के थ्रू जो है वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो है वो एम्ब्रियो तक जाती है मदर के ब्लड से एम्ब्रियो से जो भी वेस्ट मेटीरियल प्रोड्यूस होगा वो भी प्लासेंटा के थ्रू ही मदर के ब्लड के अंदर जो है वो रिमूव किया जाता है उसको सिक्सटीन क्वेश्चन राइट वन मेन डिफरेंस बिटवीन ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विथ स्पीशीज इज लाइकली टू हैव लाइक बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल द वन रिप्रोड्यूसिंग ए सेक्शुअली और रिप्रोड्यूसिंग सेक्शुअली जस्टिफाई योर आंसर सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट का डिफरेंस बिटवीन करना है सेक्शुअल और ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर और दूसरा आपको ये बताना है कि कौन सा जो है जिसमें बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल होंगे

अब बेटा पे आपको बोला गया है कि ए सेक्शुअल के अंदर कोई भी फ्यूजन ऑफ गैमेट है ठीक है और इसी की वजह से जो स्पीशीज सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करती हैं उसके अंदर बेटर चांसेस ऑफ तो सर्वाइवल होते हैं और उसी के अंदर ही ज्यादा वेरिएशन जो है वो आती हैं। सेवनटींथ क्वेश्चन है वट आर द डिफरेंट मैथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन तो इसके अंदर आपको डिफरेंट मैथड्स के बारे में बताना है सो इट्स आंसर इज अ नंबर ऑफ प्रिवेंटिव मेथड्स और आर ब्रॉडली एज जिसमें सबसे पहले आता है बैरियर मेथड बैरियर मेथड के अंदर क्या है इन दीज मेथड्स फिजिकल डिवाइसेस सच एज कॉन्डम्स डायफ्रोग्राम सर्वाइकल कैप्स यूज दीज डिवाइसेस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इन टू द फीमेल जेनेटियल ट्रैक एक्टिंग एज बैरियर इन दम कौन सी है दिस दिस this this. ये आप क्या आती है बैरियर मैथड्स के अंदर ठीक है जिसके अंदर क्या है कि एंट्री ऑफ स्पर्म जो है उसको स्टॉप करता है उसको प्रिवेंट करता है और एक बैरियर का काम करता है ताकि अनवॉन्टेड प्रेग्नेंसी जो है उसको अवॉइड किया जाए सेकेंड मैथड है केमिकल मैथड दिस कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट एज चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दर नॉट रिलीज एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर फीमेल यूज टू टाइप ऑफ फिल्स फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसीज वन इज अरल पिल्स एंड इज अ अजीनल पिल्स केमिकल मैथड के अंदर क्या आ रहा है कि केमिकल से बनी हुई आपकी पिल्स को इनटेक करना तो ये क्या करती है आपकी बॉडी के हार्मोनल बैलेंस के साथ में उसके अंदर चेंजेस करती है ताकि जो एग है वो रिलीज ही ना हो और रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा और इसके अंदर आती है दो टाइप के पिल्स जिसके अंदर है सबसे पहले ओरल पिल्स और दूसरी है वेजीनल पिल्स द ओरल पिल्स कंटेन हार्मोन्स विच स्टॉप द ओवरी फ्रॉम रिलीजिंग ओवम इन टू द फेलोपिन ट्यूब्स

इसके बाद थर्ड मैथड के अंदर आता है आपका सर्जिकल मैथड सर्जिकल मैथड के अंदर क्या है कि मेल्स के अंदर एक स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पर्म डक्ट का जो है जिसको बोलते हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा ताकि स्पर्म्स जो है वहां से बाहर ना आए एंड इन फीमेल्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द दिन ट्यूब्स ओविडक्ट इज ब्लॉक बाय सर्जिकल ऑपरेशन इट प्रिवेंट्स एग्स टू रीच यूट्रिस इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस मेल्स के अंदर क्या है एक स्मॉल पोर्शन पर्म डक्ट का ठीक है ना जिसको हम वैसेंस भी बोलते हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा और फीमेल्स के अंदर जो फेलोपिन ट्यूब ओवीडक्स भी कहा जाता है उसको ब्लॉक किया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा ताकि जो एग्जाम वो यूट्रेस के अंदर ना पहुंचे तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि फीमेल्स के अंदर ओवीडक्ट को ब्लॉक कर रहे हैं और मेल्स के अंदर जो है वो स्पर्म डक्ट को ब्लॉक किया जा रहा है तो उसको ध्यान रखते हुए कई बार इसके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है

अब एस्टिडीज जो क्या है वो एक ऐसी कॉम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो कि ट्रांसमिट होती हैं बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इसके अंदर इट कैन बी कॉज बैक्टीरिया वायरल प्रोटोजोआ फंगल एज एंड एक्टोपैरासाइट्स और इसके अंदर आपको नाम देने थे दो वायरल और दो बैक्टीरियल के जिसके अंदर है वायरल स्टेडीज में आता है एड्स एंड हेपेटाइटिस एंड बैक्टीरियल एस्टिडीज के अंदर आता साइफल्स एंडोरिया सेकेंड पार्ट इज गिव टू रीजन फॉर अवॉइडिंग फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी बाय वुमेन कौन से दो ऐसे रीजन्स हैं सो इट्स आंसर इज फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी following वुमेन आर अवॉइडेड adverse इट हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन women. इसके कई सारे बैड effects भी हो सकते हैं women की हेल्थ पे Second, इट increases द रेट ऑफ पॉपुलेशन इन our कंट्री जो फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज हैं उसकी वजह से एक तो वुमेन की हेल्थ पे असर पड़ता है और दूसरा रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होता है ठीक है ना सो दीज आर दू रीजन्स ड्यू टू which फ्रीक्वेंट pregnancy शुड बी अवॉइडेड Nineteenth question, list four points of significance of reproductive health in a society. Name any two areas related to reproductive health which have imported over the past 50 years in our country. So, its answer is, it prevents the spread of various sexually transmitted diseases such as AIDS and syphilis. Second, individuals with sound reproductive health produce better offsprings which have better chances of survival. टर सेक्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस हेल्प टू द पॉपुलेशन एंड प्रिवेंट पॉपुलेशन एक्सप्लोशन फोर्थ अन लोगों को जो है वो जरूर गाइड करना चाहिए तो इसके लिए उन्होंने बोला कि क्या पचास पिछले पचास सालों के अंदर हमारी सोसाइटी के अंदर क्या क्या चेंजेस है उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना था तो फर्स्ट फोर पॉइंट के अंदर आपको उसकी सिग्निफिकेंस बतानी थी कि क्यों जरूरी है ताकि एक तो लोगों को सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजे से बचाया जा सके अगर लोग अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर होंगे तो जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो बेटर होंगे बेटर लाइक अच्छे प्रोड्यूस होंगे और उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है वो भी बढ़ जाएंगे अगर आप सेक्स एजुकेशन बच्चों को देते हो उसके लिए अवेयर करते हो यंगस्टर्स को तो उसकी वजह से आप पॉपुलेशन को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को एक तो प्रिवेंट कर सकते हो दूसरा आप उनको उनके अंदर जो है अनवांटेड और टीन प्रेगनेंसीज जो है उसको भी अवॉइड किया जा सकता है द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन इंडिया हैज इंप्रूव्ड इम्प्रूव ओवर पास्ट 50 इयर्स The areas in which reproductive health have improved are first family planning and second is the mortality rate. Which means Bharat reproductive health a improvements. And the major areas are family planning and mortality rate. 20th question What is vegetative propagation? State two advantages and disadvantages of this method. So, its answer is propagation or growing of plant, grow from their vegetative parts like stem, leaves, roots, etc. is known as vegetative propagation. जो पौधा ग्रो कर रहा है अपने वेजिटेटिव पार्ट से जैसे कि स्टेम है लीव है रूट है उसी चीज को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्योंकि ये ये सीड्स के के थ्रू नहीं पौधे ही वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करता है एंड इसके एडवांटेजेस क्या क्या है प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्लावर्स एंड हैव फ्रूट मच अर्लियर देन प्लांट प्रोड्यूस बाय सीड्स एक तो उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर फ्लावर्स और फ्रूट्स जो है वो जल्दी आते हैं एज कंपेयर टू उनके जो सीड्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं हम और दूसरा इट इज इजी फास्ट मेथड एंड कैन बी यूज फॉर प्रोपिगेशन ऑफ प्लांट्स व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस बाय सीड्स इस ये इजी मेथड है फास्ट है और जो पौधों को आप सीड्स के थ्रू नहीं प्रोड्यूस कर सकते उसको आप वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के थ्रू जो है ग्रो कर सकते हो डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के अंदर आते हैं सिंस प्लांट्स आर जेनेटिकली वेरी सिमिलर एंड मोस्ट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल नो न्यू वेरिएशंस कैन बी जनरेटेड अब यहां भी क्योंकि वो आइडेंटिकल है जैसे पहले वाला था उसी से ही मिलकर आपका नया बन रहा है तो क्योंकि कोई फ्यूजन नहीं है सब सिमिलर है तो आइडेंटिकल रहते हैं कोई नई वेरिएशन नहीं होती है दूसरा प्लांट्स कैन स्टिल सफर फ्रॉम वेरियस प्लांट डिजीजेस क्योंकि अगर उसके पेरेंट प्लांट में कोई डिजीज थी तो उसके अंदर भी वो डिजीज ट्रांसफर होगी नेक्स्ट क्वेश्चन है वराइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब इसके अंदर आपको जो फर्स्ट पार्ट है ओवरी के फंक्शन के अंदर सबसे पहले आता है दैट इट फीमेल जिसको ओवा भी कहा जाता है और दूसरा है इट प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्ट्रॉन और ऑस्ट्रोजन दैट ब्रिंग चेंजेस इन गर्ल्स ड्यूरिंग ओवरीज अब ये वाली है ठीक है ना दिस इज ओवरी यहां से हर मंथ एक एग प्रोड्यूस होता है जो कि फीमेल एग है जिसको हम ओवा भी कहते हैं ठीक है ना और यहीं से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं प्रोजेस्ट्रॉन और ऑस्ट्रेजन जिसकी वजह से गर्ल्स के अंदर प्य के टाइम पे जो है वो चेंजेस आने शुरू होते हैं बॉडी के अंदर। इट इज द साइट विद इम्प्लांटेशन ऑफॉट अकर्स यही वो साइट है जहां पे जो बेबी है जो जायॉट है वो ग्रो करता है फीटस के अंदर सेकेंड इट नरिशेज एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो इसी के थ्रू जो है वो एम्ब्रियो के क्योंकि यहाँ पे प्लासेंटर जो है वो प्रेजेंट रहता है तो इसी के थ्रू जो है वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट जो है वो भी मिलती है थर्ड फेलोपिन दीज आर द फेलोपिन ये वो फेलोपिन ट्यूबेलोपिन ट्यूब्स का क्या फंक्शन रहता है इट कैरीज एंड टेक फीमेल ओवम फ्रॉम ओवरी टू वूम ये ओवरी से वूम के अंदर जो है वो उसको लेके जाते हैं ओवम को ठीक है सेकेंड इट टेक्स द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन और यहीं पे जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो भी अक्कर करता है

जो मदर से न्यूट्रिशन और ग्लूकोज जो है वो दोनों चीजें एम्ब्रियो तो तक जाती हैं और दूसरा है इट आल्सो टेक अवे वेस्ट जनरेटेड बाय द एम्ब्रियो इनटू मदर्स ब्लड और जो भी ये वेस्ट जनरेट कर रहा है फीटस ये भी सारा का सारा का वेस्ट इन्हीं के थ्रू जो है वो होते हुए मदर के ब्लड में चला जाता है ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन वट लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम फॉल ऑन द सॉइल जब ब्रायोफिलम की लीव जो है वो मिट्टी में गिरती है तो फिर क्या होता है सो इट्स आंसर इज वेन लीव ऑफ ब्रायोफिलम फॉल ऑन द सॉयल

तो ये ओपन होके ये रैप्चर हुआ आउटसाइड तो ये एटमोसफेयर के अंदर गई तो अलग अलग एजेंट्स के ये जहां पर भी जाएंगे उसके बाद में वहां पर फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये ग्रो करना जर्मिनेट करना स्टार्ट हो जाएंगे ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन राइट द चेंजेस दैट अकर इन अ फ्लावर वंस द फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस क्या क्या चेंजेस होते हैं जब प्लांट के अंदर जो फ्लावर है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है पोलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन इन प्लांट It is a process of fusion of female germ cells with the female gametes. It gives rise to a zygote as soon as the pollen land on the suitable stigma. It reaches the female germ cell in ovary. This occurs via pollen tube. The pollen tube grows out of pollen grain, travels through this style, and finally reaches the ovary. After fertilization, the zygote divides many times and forms the embryo with the ovule. this ovule then develops a tough coat and get converted into seed the ovary repeatedly grows and ripens as fruit the seed contains the future embryo that develops into seedling under suitable condition this process is known as germination yahan pe kya hai ki wo jo zygote hai wo zygote kai baar uske andar cells divide honge theek hai na और उसके आसपास एक tough coat जो है वो develop होना start हो जाएगा और जो ovule से वो convert होंगे seed के अंदर और जो जो ओवरी है दैट विल ग्रो एंड राइपन्स एज फ्रूट और इसके अंदर जो सीड्स हैं वो फ्यूचर एम्ब्रियो को कैरी कर रहे हैं जिसके थ्रू जो है सूटेबल कंडीशन के अंदर जो वो सीड्स जो है वो जर्मिनेशन के प्रोसेस के द्वारा फर्दर जो है एक न्यू प्लांट जो है वो क्रिएट करेंगे ट्वेंटी फिफ्थ यूज ऑफ अ कॉन्डम इज बेनिफिशियल फॉर बोथ सेक्सेस इन्वॉल्व इन अ अक्शुअल एक्ट जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग टू रीजन सो इट्स आंसर इज द यूज ऑफ कॉन्डम इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द सेक्सेस इनवॉल्ड इन सेक्शुअल एक्ट बिकॉज

इट इजन फॉर ट्वेंटी इट चेंजेज दूशन सो मेच्योर ओवम इज नॉट अवेलेबल फॉर फर्टिलाइजेशन अब ये ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स जो है वो एक हारमोन पिल्स है जिसकी वजह से जो मैं साइकिल एंड होती है तो उसके बाद ये ट्वेंटी वन डेज के लिए ली जाती है और इसकी वजह से कई सारे ओवोल्यूशन के अंदर चेंजेस आते हैं उसके और जो मेच्योर ओवम है वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए अवेलेबल नहीं रहता इसी की वजह से प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होती है

उसको हम बोलते हैं सेक्स सिलेक्टिव अबॉशन दिस इम्बैलेंस द मेल एंड फीमेल रेशियो इन द सोसाइटी उन्होंने बोला था कि इसका क्या एक हेल्दी सोसाइटी पे असर पड़ता है सो दिस इज इट्स वन दैट इसकी वजह से जो मेल और फीमेल रेशियो है सोसाइटी के अंदर उसके अंदर एक अनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा ट्वेंटी एट वेयर आर टेस्ट लोकेटेड इन द ह्यूमन मेल एंड वाई स्टेट एनी टू फंक्शन टेस्टेस इट्स आंसर इज आर टू एग शेप ग्लैंड द फंक्शन ऑफ द प्रिंसिपल हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं वो भी यहीं पे प्रोड्यूस होता है थर्ड इट पार्टिसिपेट्स हाइपोथैलेमस इन रेगुलेटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन डी पार्ट फोर्थ प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन व्हिच ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस ऑफ बॉयज एट प्यूबर्टी

An embryo, the, embryo embedded in the lining of uterus and develops into a fetus ab yahan pe kya hai ki अब sperm jo क्या है कि जब pahunchta जो है वो पे है, penetrates inside the ovum and afterwards the syngamy take place which leads to the formation of zygote. इसके बाद में क्या है कि जो zygote है उसके अंदर कई सारी ऐसी डिविजन होती हैं जिसके बाद में एम्ब्रियो ग्रो करता है जैसे जैसे वो ग्रो करना स्टार्ट करता है तो जो uterus की लाइनिंग है वो भी thick होती है और जो fetus है उसके अंदर वो develop करना एम्ब्रियो स्टार्ट कर देता है

जिसकी बाद में क्या है कि जो यूट्रिन ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट होगी और अनफर्टिलाइज जो एग है वो ग्रेजुअली वो जो है वो थिक थिक्रीन लाइनिंग के साथ में ब्रेक करते हैं वो ब्लड के साथ में बाहर आता है so, सो इसी की वजह से मेंस्ट्रुएशन जो है वो अबाउट टू टू एट डेज जो है वो लास्ट करती है ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन वट इज डन ड्यूरिंग द सर्जिकल मैथड इन मेल एंड फीमेल टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी इस चीज के बारे में हमने जब सर्जिकल मैथड के बारे में पढ़ा था तब भी हमने पढ़ चुके हैं इसके अंदर जिसको हम वैसिक टॉमी बोलते हैं जो मेल्स के अंदर होता है जिसमें एक छोटा सा पोर्शन जो है स्पर्म डक्ट का उसको कट कर दिया जाता है और उसको टाई किया जाता है प्रॉपरली ताकि स्पर्म जो है वो ट्रांसफर ना हो और उसको प्रिवेंट किया जा सके उसके ट्रांसफर को सेकेंड इट प्रिवेंट एन इरिवर्सिबल प्रोसेस जब ये एक बार ये सर्जिकल मैथड हो गया तो इसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और जो फीमेल्स के अंदर होता है उसको हम ट्यूबिक ट्यूबिकटॉमी बोलते हैं क्योंकि फीमेल्स में फेलोबिन ट्यूब्स होती है ना तो उससे याद रखना ट्यूबिक ट्यूबिकटोमी सो so, इसके अंदर एक स्मॉल पोर्शन ओवी डक्ट का उसको कट करके टाई कर दिया जाता है जो फेलोपिन ट्यूब्स है फीमेल की उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि वहां से एग जो है वो अवेलेबल ही ना हो उस ये वहां पे जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए एंड इट प्रिवेंट द एग फ्रॉम मीटिंग द स्पर्म इट और इट इज ऑल्सो एन इरिवर्सिबल प्रोसेस ये भी जो सर्जिकल मैथड्स है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस रहते हैं क्योंकि इसमें इसमें सर्जिकल मैथड्स यूज होते हैं और ये एक बार ये सर्जरीज हो गई तो इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो

और जो स्पर्म्स हैं वो यहां से फॉर्म होते हैं और ये एक न, वहां का टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है वो टेम्परेचर आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है एंड सी वैस्टिव इसके अंदर क्या है ये ट्यूब्स रहती हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि टेस्टिस और यूथरा से कनेक्टेड रहता है इट डिलीवर स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू लाइक स्ट्रक्चर एक पाइप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर समझ लो जो कि टेस्टिस और योत्रा से यूरेथ्रा से कनेक्टेड रहता है और वहां से ही ये स्पर्म्स को डिलीवर ट्रांसफर um, करता है डी पार्ट है सिमिनल वेसिकल्स इसके अंदर है फ्लूड एंड न्यूट्रिएंट्स कंबाइंड विद स्पर्म टू फॉर्म सीमेन जो कि एक मिल्की है दैट मिल्किड न्यूट्रिएंट्स एंड व्हिच प्रोवाइड्स नरिशमेंट एंड एंड लास्ट इज प्रोस्टेट इट सिक्रेशन नरिशेज द स्पर्म इसके अंदर से जो भी सिक्रेशन होती है वो स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है आई होप बच्चों की आपकी एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी होगी हो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करना और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और चैप्टर नोट्स और एमसीक्यूज इन सब चीजों के प्रिपरेशन के लिए आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो सीएस यूटोरियल को और विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट सी एस को जहां पर आपको मिल जाएंगे चैप्टर नोट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसी और वीडियोज को देखते रहिए और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे करते रहिए टिल देन कीप वॉचिंग की प्लर्निंग विथ सीएसरियल